व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं टेस्टिंग अवर ऑल होली गैजेट्स वर्थ 7 लाख रुपए के। ओ भाई, 7 लाख रुपए के पटाखे कह रहा हूँ मैं, दीवा होली होली के वो आ चुके हैं। हाँ। क्या क्या रंग आए, क्या क्या गैजेट आए, देखते हैं। तो मजा ही मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। मिस्टर ने करके दिलराज भाई की वीडियो, और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जय हिंद जय भारत लिख देना। कहां से देख रहे हो आप वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। तो गाइस यार, तैयार हो जाओ हमारे साथ में होली को सेलिब्रेट करने के लिए। आज के वीडियो के अंदर हमारे पास इतना सारा सामान है, और आज के वीडियो के अंदर हम इस सारे सामान की टेस्टिंग करने वाले हैं। पूरी टीम भी मस्ती में रहते ना। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि भवानी भाई पे जो है कौन सा होली का गेटअप अच्छा लगता है। तो ये है आंधे रसल का गेटअप, कैसा लग रहा है बताओ गाइस। भवानी भाई बनने वाले हैं रिहाना, देखते हैं कि कैसी लगती है रिहाना भाई। ये बढ़िया लग रहा है। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग से इससे। तो ये है गाइस स्लिंग शॉट, यानी कि गुलाल लॉन्चर है ये। कुछ इस तरीके का गोला हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और लॉन्च करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारे तो? पास बॉम्ब। हाँ। और इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से अच्छा पकड़ते हैं। तरीके से है ना भैया, ये भी सही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका खौफ कितना खतरनाक है। इससे ज्यादा चोट भी नहीं लगती है, और आप इस चीज को जो है 1000 टाइम तक रिकॉर्ड चला सकते हैं। तैयार हो लौंडो? ठीक है, मेरे 3 गिनते ही सब ऊपर फायर करेंगे। 1 2 3 4 5 ये तो डिस्टेंस गया ना, इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। ये वैसे है ना, खेलते नहीं गुब्बारे से खेलते, वैसे वाला ये गेम से चला दिया नले। गुब्बारे से खेलते हैं। अरे भाई क्या फनी से लग रहे हैं। खत्म ही नहीं होता ये, कितना ही चलाओ। और जे एक बार हाथ में आ गया तो भैया इस तरीके के खेल होते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। अब ये बढ़िया था यार। गाइस ये है मिनी गिफ्ट पैक, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो गाइस यार ये वाला जो पैक है ये गिफ्ट के लिए, भाई दिखा देना पहले, रुक जाना। तो देखो इस तरीके की चश्मा मिल जाती है, जैसे कि एक मैंने पहन रखी है। इस तरीके के छोटे छोटे गुब्बारे मिल जाते हैं इसके अंदर, और ये मिल जाता है मास्क बढ़िया वाला, ले ले यार। और ये मिल जाते हैं बाल, ले ले भाई। और ये देखो इसके अंदर क्या है, पकड़ो। इसके अंदर है गाइस हर्बल गुलाल। वाह यार, लाल कलर की बहुत ही प्यारी गुलाल है। रुको मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, खुशबू वगैरह चेक करते हैं गाइस। उधर साइड में गुब्बारे फुला रहा भाई, क्या खुशबू है गाइस। हाय हैप्पी होली, हैप्पी होली। गाइस ये है पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स। अबे यार पोटैटो चिप्स है गाइस ये देखो। तो इसका कुछ इस तरीके का ढक्कन है, ये देखो गाइस, और अंदर से कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ से इसको पकड़ना होता है, और मैं भी देख लो, ये देखो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फॉर्म निकलता है। रुक जा भाई, सब बल्लू पे चला के टेस्ट करो। तो गाइस इस तरीके से एक्सपेरिमेंट है, कितने ज्यादा है यार। और ये वाला अलग है गाइस, ये देखो ये वाला अलग है, ये देखो ये अलग है गाइस, ये देखो। और ये देखो हमारा वाला अलग था, ये लगता है यार, ये वाला मस्त है यार। ये अलग है, ये वाला लाइन से क्या है। फनी 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 गई बेच पानी में, बेच मारते हैं पानी में, ऑन द स्पॉट पानी में छपाक छपाक। 1 2 3 और इनकी फाइट आप लोग मारे एडवांस में खेल ली, जगह भी पूरे एकदम है ना, एडवांस में खेल ली ना। भैया
पोटैटो चिप्स गाइस, ये चीज तो आपको डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये है अब हमारे पास बॉडी पेंट अलग अलग तरीके के, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। ये बॉडी पेंट है, वो सिल्वर भी होता है। इसको टेस्ट करो खोलो। इस तरीके का है ये, देखो गाइस। अब देखते हैं कि बॉडी पेंट कैसा है। रुको गाइस, ये देखो बॉडी पेंट कुछ इस तरीके का है, देखना। रंग दिया है, रंग दे तुम वो है गेरो। एक रोमांटिक देने के बाद गाइस अब ट्राई करते हैं फनी फॉर्म स्प्रे। लो टेस्ट करो, कितना कुछ है देखना गाइस। ये है फनी फॉर्म स्प्रे, और इसे खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके के अलग अलग कलर से। इसमें ये देखो, इसमें पिंक है गाइस, इसमें हरा है। अच्छा ये भी वही है। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का है। ये देखो बड़ी अजीब सी आवाज आती है जब ये चलाते हैं। नीचे देखो गाइस, नीचे क्या हो गया है गाइस। होली में दिवाली का जो आता है, ये देखो गाइस, ये है कलर शूटर। इसको चला के देखते हैं निकल बार। तो इसके अंदर से 7 शॉट निकलेंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर से कलर निकलता है या फिर क्या निकलता है। गाइस कुछ इस तरीके का है, और ये उल्टा है कि सीधा है? सीधा। गाइस इसको इस तरीके से रख देते हैं। गाइस यहाँ पे फ्यूज है, इसके अंदर आग लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कलर शूटर कैसे चलता है। गाइस यार दिवाली के टाइम में ही दिवाली का पटाखे अच्छे रहते हैं, होली को तो कलर ही ठीक है। अब हमारे पास है गुलाल पॉपर। गाइस एक के अंदर 4 हमें मिल जाते हैं अलग अलग कलर की। ये है ऑरेंज कलर, ये है ब्लू कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है पिंक कलर। ऑलराइट गाइस, कलर पॉपर इन 3, 2, 1। अरे बढ़िया लग रहा था ये तो, ये बढ़िया लग रहा गुरु। ये शूट्स वगैरह में यूज होते रहे शायद वैसा। गाइज ये चीज बढ़िया है, डेफिनेटली आप बच्चों के लिए इसे खरीद सकते हैं। गाइज अगर आपको सारी चीजें ऑर्गेनिक रखनी है, या फिर आपको मतलब ऐसी चीज चाहिए जो कि बहुत प्यारी हो और ऑर्गेनिक हो, तो आप इसे ले सकते हैं। ये है तेसु के फूल। रात को इन्हें भिगो के रख दो और सुबह जो है जो आपको कलर मिलेगा वो बिल्कुल कलरफुल मिलेगा, और फिर उससे आप होली खेल सकते हैं। ये देखो गाइज, इनका एक पेड़ होता है हमारे गाँव में भी। ये देखो ये पूरी तरीके से बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होते हैं। तो इन्हें रात को भिगो के रख दो, सुबह इनकी मदद से होली खेलो। तो ये भी चीज आप देख सकते हैं इस बार होली के लिए। गाइज ये गिफ्ट पैक तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही दिखा दिया था, स्टार्स वाली में। नहीं देखी है तो उस पे जाके देख लेना। तो गाइज यार ये है AK-47। तो गाइज कुछ इस तरीके की AK-47 है, इसके साथ में हमें गुलाल के कुछ पैकेट भी मिले हैं। इसको ऐसे हाथों से फोड़ के निकालो। तो गाइस इस तरीके से भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं गुलाल का। तो गाइस AK-47 को जिस तरीके से चलती है ऐसे पकड़ो, और फिर इसे अबे ये, अरे हाँ ऐसे, ये तो वाह यार बढ़िया है। तो पिचकारी जैसी होगी ना, रंग फेंक रही है ना गुलाल, है ना मस्त है ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को तो धक धक हो रहा है। सब्सक्राइब करो भाइयों बहनों, सब्सक्राइब करो। नूब है, नूब। तो गाइस ये है एक्सबो। तो एक्सबो देखते हैं, ये तो स्टार्टिंग में जो उड़ा रहे थे वो। क्वालिटी देखो गाइस, क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है निकाल के दिखाओ। तो गाइस ये 2-in-1 है, ये जो चीज है ये इसके अंदर चली जाती है, तो यहाँ से बबल्स भी निकलते हैं और पिचकारी भी चलती है। गाइस इसमें सेल लगते हैं शायद, हाँ ये देखो गाइज यहाँ पे सेल लगते हैं, लेकिन सेल आते हैं और फिर इसे चला के देखते हैं। और साथ साथ गाइज ये धनुष भी बन जाता है। चलो इसे बना के दिखाते हैं आपको पूरा। वाह यार ये भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है गाइस, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है ये देखो। अरे डबल डबल जो है इसके अंदर वो है, मतलब पिचकारी भी चलेगी और बबल्स भी निकलेंगे। बबल्स निकाल के दिखा यार मेरे को, मैं पीको बबल्स नहीं निकाल रहा, मेरा मूड नहीं है अभी बबल निकालने का। गाइस कुछ इस तरीके से बबल्स भी निकलते हैं। वाह यार, और पिचकारी भी चलती है। वाह यार ये तो बढ़िया चीज है गाइस, ये बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बढ़िया है। ये है मैजिक आइस। तो गाइस आ जाओ मैजिक आइस को पानी में डाल के देखते हैं कि क्या होता है, आइस बनती है या फिर नहीं। थोड़ा सा पानी लेते हैं गाइस, मैजिक आइस डालते हैं। मैजिक आइस लो, खोल के पकड़ो, एक साथ डालेंगे गाइस, एक साथ ही बहुत सारी आइस डाल देते हैं, देखते हैं मैजिक आइस बनती है। मैजिक आइस ये चीज काम कैसे करती है, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें हमने बहुत बड़े साइज के पूल को बर्फ के अंदर बदल दिया था। ऐसी किसी चीज की याद है, 1, 2, 3 डालो। कौन सी आइस देखते रहना, थोड़ा सा
नहीं वो नहीं है ये। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, बर्फ बन रही है ये देखो। हाय देख, वेरी ब्यूटीफुल, टमाटर का सूप हो रहा है। ये देख कैसे हो रहा है यार, हो रहा है हो रहा है। ये देखो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको, ये जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है टाइट होते जा रही है। गाइस यार मैजिक आइस बन गई है। मैं सोची थी ना खेलूं की मैजिक है, ये देख के मन कर गया है ना होली खेलने का। गाइस मैजिक आइस बढ़िया चीज है, हलवा लग रहा है, गाजर का है, मूंग का हलवा लग रहा है। ओह लगी हो शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं खेल रहा, मैं चीटिंग हो रही है मेरे साथ। तो सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं। नहीं नहीं भैया, और है क्या? बलून बचे हैं। बलून बोल ले। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा गाइस एक चीज और है, ये भी है क्या? तो इसको अभी चला दो गाइस, वहाँ पीछे चला दो पीछे। तो गाइस एक चीज और है, उसके साथ में वीडियो खत्म करते हैं। तो गाइस यार ये लास्ट प्रोडक्ट है, देखते हैं कि ये कैसे चलता है। अच्छा है वैसे, बस आज के लिए बस इतना ही। हमने लगभग सारी चीजों की टेस्टिंग कर ली है, आपको जो भी पसंद आता है आप उसे मार्केट से खरीद सकते हैं। और बी सेफ, होली के टाइम पे थोड़ा सेफ रखे खुद को भी, दोस्तों को भी। पॉइंट ग्रीनरी भी और है, इलाका तो ऐसा होना जी खेलने के लिए होली तो। हाँ बिल्कुल सही। चेहरे बदल गए सबके। हाथ में फट गया, गुब्बारा था ना वो, हाथ में पानी निकल गया उसका। पहली खेल ली मैंने। और भैया भाई बंद कर दे यार, बंद कर दे भाई कैमरा। भाई इस वीडियो को, ये मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को जब इन्होंने शूट किया कितना एंजॉय किया होगा इन्होंने इस वीडियो को। सीरियसली एक तो जब आप होली खेलते हो आपको खुला चाहिए होता है इन्वायरमेंट, और ये लोकेशन तो वैसी बहुत गजब थी। मिट्टी भी है, घास भी है, पूल इतना बड़ा बना लिया था इन्होंने। या तो फिर हो रही हो पूल पार्टी होली वाले दिन, कि स्विमिंग पूल हो, उसके आसपास खुला मैदान भी हो, जैसे लोग फार्म हाउस बुक कर लेते हैं ना, वहीं पर टेंट वेंट लगा के फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल के आसपास मिठाइयां लगा लेंगे, खाने का एरिया, फिर वो एक माहौल बन जाता है वहां पर, वो भी होता है। और मजा आता है भैया होली खेलने में, और आई एम श्योर काफी लोग वेट भी करते हैं इस त्यौहार की, जैसे दिवाली का वेट रहता है होली का भी रहता है, क्योंकि होली पे ना एक अलग ही क्रेज रहता है। और जो टोली बना के निकलते हैं लोग वो तो हाँ, मुझे उनसे डर लगता है जो बाइक पे ना सिल्वर सा वो जो खुद ही डरावने से निकलते हैं, कैप लगाए वो खुद ही ऐसा। लेकिन कुछ भी कहो, जो क्रेज बच्चों में होता है ना होली का, वो बड़ों में भी उतना नहीं होता, छोटे बच्चों में। मुझे लगता है धीरे धीरे होली वाला वो कम, जैसे दिवाली होली का हम जितने बड़े होते आते हैं ना उतने, जैसे बड़े होके थोड़ा सा पटाखों से थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे होली पे फिर क्या होता है, जैसे गुलाल से खेल लिया, पानी से खेल लिया, नहीं तो बचपन में तो भाई साहब जब होते ना वो स्कूल पता ऐसे ऐसे रंग लगा लगा के ऐसे पूरे कलर भरा, वीडियो बढ़िया थी। और मुझे एक वो प्रोडक्ट बढ़िया लगा जिससे वो, अरे वो जो धुआं उठा था बढ़िया, वो अरे हाँ बढ़िया थी वीडियो, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करी होगी। लेकिन कुछ भी कहो, एक वो फोम से खेलने बड़ा मजा आता है, फोम से वो एक अलग ही लुक देता है। बाकी एक वो जो उन्होंने जो जैसे बर्थडे पे सेलिब्रेट करने वो नहीं आता पार्टी पॉपर कहते हैं, वैसे जो कलर निकाला था टीम ने, आई एम श्योर बहुत एंजॉय किया होगा ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप लोगों ने देख के एंजॉय किया होगा। तो भैया आपने क्या कुछ ले लिया है होली के लिए, शॉपिंग आपकी हो गई है या आप करने वाले हो बताना जरूर। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, हैप्पी होली।